तो संविधान बदलने की कोशिश की गई है, कांग्रेस लीडर की तरफ से आरोप लगाया गया है और अब अगर केंद्र सरकार से सवाल पूछो तो वो संविधान का हवाला देती है लेकिन इसे बदला गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है कि संविधान के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये देश संवैधानिक तरीके से चलता है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर के जबरदस्त इस वक्त वार पलटवार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने कहा कि ये राजीव गांधी की देन है, बिल लाने में इतनी देरी क्यों हुई। सोनिया गांधी के ये बड़े सवाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो आज लोकसभा में इन्होंने उठाया। SC ST को आरक्षण क्यों नहीं है, अब बात महिला आरक्षण की करते हैं। ये बिल सामने लेकर के आए हैं तो इसमें दो चीजों पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, SC ST के आरक्षण की मांग की है और तीसरा सवाल इन्होंने ये कहा कि OBC आरक्षण क्यों नहीं है। जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो SC ST और OBC का भी ध्यान आपको रखना होगा। चौथा सवाल ये था कि 2014 से लेकर के अब तक आप सत्ता में है फिर भी देरी क्यों, 9 साल से सरकार ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिरकार सरकार के लिए अगर ये प्रायोरिटी थी तो 2014 से जब आप सत्ता में आए 9 साल हो चुके, इस ओर ध्यान देना था। और अब जब आप लागू भी कर रहे हैं तो परिसीमन तक क्यों इसे रोका जा रहा है, क्योंकि अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा महिलाओं को, ये 2026 से पहले नहीं होगा लागू, तो ये परिसीमन तक क्यों रोका जा रहा है, आप परिसीमन इसमें क्यों एड ऑन कर रहे हैं। तो संविधान में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द नहीं है, ये शब्द को लेकर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें भी बीजेपी लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के इरादों में खोट है ये बताया गया संविधान का हवाला देते हुए, बड़ी चालाकी से दोनों शब्द हटाए गए हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। दोनों शब्दों का ना होना चिंता की बात है, इस ओर ध्यान केंद्रित करते हुए ये तमाम बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं कि ये सेक्युलर शब्द पे जो इस वक्त संग्राम छड़ा हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कहा गया। पहले सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द मौजूद थे, ये इस वक्त दो कॉपी आपके सामने है, अब दोनों शब्द हटाए गए हैं, संविधान का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि सरकार ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, ये आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया, पहले इसमें सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द मौजूद थे और अब इन दोनों शब्द को हटा दिया गया है, यह हवाला दिया गया है। Z News.